हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 4 व 5 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ प्रयास सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कबुक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने वर्कशीट 91 तक सॉल्यूशन देख लिया है। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे वर्कशीट 92 से लेकर के 97 तक की वर्कशीट के सॉल्यूशन। तो वीडियो में बने रहना है आपको इसी तरह हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्कशीट 92। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेक क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। व्हाट, हु, हाउ, मैनी। तो आपको यहाँ पर जो वर्ड्स दिए गए इनसे आपको क्वेश्चन मेक करने हैं। देखिए यहाँ पर व्हाट का अर्थ होता है क्या, हु का अर्थ होता है कौन, हाउ मैनी संख्या के लिए पूछते हैं कि कितने हैं, है ना। तो इसका अर्थ होता है कितने। एग्जाम्पल, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। माई नेम इज़ गौरी, मेरा नाम गौरी है। इसी तरह से हम क्वेश्चन बनाएंगे, देयर आर 4 ट्रीज, यहाँ पर 4 पेड़ हैं। तो यहाँ पूछेंगे 4 पेड़ों के लिए हाउ मैनी ट्रीज आर देयर, वहाँ पर कितने पेड़ हैं। What is this? This is a camel. यह एक ऊँट है। तो हमने पूछा क्वेश्चन, What is this? यह क्या है। The children are in the park. Children जो हैं, बच्चे जो हैं वो पार्क में हैं। Where are the children? Children कहाँ पर हैं। तो यहाँ पर what, who से नहीं आएगा क्वेश्चन। Who are the children? ऐसे तो हम पूछ नहीं सकते। Who are in the park? ऐसे पूछ सकते हैं हम। Who are in the park? The children are in the park. ठीक है। तो यहाँ पर आप वेयर से ना बना करके क्वेश्चन, ये भी सही है, बट अगर आपको दिए गए वर्ड्स में से यूज़ करना है तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, हु आर इन द पार्क क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आप इसे भी लिख सकते हैं। देयर आर 2 बॉयज़, यहाँ पर 2 लड़के हैं। हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर, वहाँ पर कितने लड़के हैं। पवन इज़ अ गुड बॉय, पवन एक अच्छा लड़का है। हु इज़ अ गुड बॉय, कौन अच्छा लड़का है। माई बैग इज़ हैवी, मेरा बैग भारी है। हाउ इज़ योर बैग। तो यहाँ पर देखिए अब आपको क्वेश्चन बनाना है, तो हु व्हाट से तो क्वेश्चन बनेगा नहीं कि तुम्हारा बैग क्या है, व्हाट इज़ योर बैग, है ना। तो हाउ इज़ योर बैग, तुम्हारा बैग कैसा है। माई बैग इज़ हैवी, तो हमने हाउ का यूज़ किया। ठीक है। आरती इज़ प्लेइंग विद अरुण, आरती खेल रही है अरुण के साथ। तो यहाँ हो जाएगा हु इज़ प्लेइंग विद अरुण, अरुण के साथ कौन खेल रहा है। माई फादर इज़ अ टीचर, मेरे पापा एक अध्यापक हैं। वॉट इज़ योर फादर डू, या हु इज़ योर फादर। माई फादर इज़ अ टीचर, तुम्हारे फादर क्या हैं, तो कौन है। तो यहाँ पर आप इस तरह से क्वेश्चन बोल सकते हैं, वॉट इज़ योर फादर डू, या आप बोल सकते हैं हु इज़ योर फादर, फादर ऑक्यूपेशन, हु इज़ योर फादर ऑक्यूपेशन, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से भी क्वेश्चन बोल सकते हैं, हु से भी बता सकते हैं, हु इज़ योर फादर, तुम्हारे फादर कौन है, है ना। ठीक है, तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये डन होता है 92 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे 93। रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। पिंकी वॉज फ्लाइंग अ काइट ऑन द रूफ ऑफ हर होम, उसकी घर की छत से वो पतंग उड़ा रही थी जो पिंकी है। शी वॉज लुकिंग अप एट द काइट, वो काइट की तरफ देखी जा रही थी। शी वॉज गेटिंग वेरी क्लोज टू द बाउंड्री ऑफ द रूफ, रूफ की जो बाउंड्री है वो क्लोज आ गई थी उसको देखते हुए पतंग को। पिंकीज मदर सो हर, पिंकी की मदर ने उसे देखा। शी शाउटेड पिंकी स्टेप बैक, पिंकी को चिल्लाया उन्होंने कि पिंकी पीछे हटो, पीछे चलो। पिंकी रियलाइज हाउ क्लोज शी इज़ टू बाउंड्री, वो कितनी बाउंड्री के पास आ गई है। एंड इमीडिएटली रियलाइज हर मिस्टेक एंड स्टेप बैक, और उसने तुरंत से अपने पैरों को पीछे किया और अपनी गलती का एहसास हुआ उसे। शी डिसाइडेड टू फ्लाई द काइट फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर ओनली, उसने डिसाइड किया कि वो ग्राउंड फ्लोर पे ही चलाएगी, उड़ाएगी पतंग को। तो क्वेश्चन है, नंबर दीज इवेंट टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सिक्वेंस। तो पहला आ जाएगा पिंकी वॉज फ्लाइंग अ काइट, दूसरा आ जाएगा पिंकी गॉट क्लोज टू बाउंड्री ऑफ रूफ, थर्ड आ जाएगा पिंकी मदर शाउटेड पिंकी स्टेप बैक, पिंकी डिसाइडेड टू फ्लाई द काइट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, जब भी छत पे आप पतंग उड़ाते हैं ना, तो अगर छत बिना बाउंड्री की है तो कभी ना उड़ाएं उस छत पर से पतंग। बाउंड्री वाली छत से ही पतंग उड़ाने की कोशिश करें, और जहाँ तक है किसी बड़े को संग में लेकर के पतंग उड़ाएं, और पतंग के पीछे ना भागें, क्योंकि 1-2 रुपये की पतंग होती है उसके पीछे अपनी जान ना गंवाएं, अपने हाथ पैर को ना तोड़ें। ठीक है, तो जो भी बच्चे देख रहे हैं सुन रहे हैं उनको मैं ये कहना चाह रही हूँ।
सेकेंड क्वेश्चन है, वेयर वॉज पिंकी फ्लाइंग इन द का फ्लाइंग द काइट? पिंकी वॉज फ्लाइंग द काइट ऑन द रूफ ऑफ हर होम, उसकी घर की छत से उड़ा रही थी वो। हु सेव पिंकी? पिंकीज मदर सेव, पिंकी की मदर ने सेव किया उसे। वाई डिड पिंकीज मदर शाउट? बिकॉज पिंकी वॉज गेटिंग वेरी क्लोज टू बाउंड्री ऑफ द रूफ। वॉट प्रिकॉशन विल यू टेक इट फ्लाई द काइट ऑन द रूफ ऑफ योर हाउस? वी विल स्टैंड इन द मिडिल ऑफ द रूफ एंड फ्लाई काइट। ठीक है, तो ये डन होता है वर्कशीट 93। आप देखेंगे वर्कशीट 94। तो वर्कशीट 94 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्कल द फर बर्ड्स एनिमल दैट यू सी इन और सराउंडिंग। आपके आसपास जो आपको पक्षी और जानवर दिखाई देते हैं उनके ऊपर आपको गोला कर देना है। जैसे कैट, बिल्ली, स्पैरो, स्पैरो चिड़िया, रेट, चूहा दिखता है, डंकी, गधा, पिकॉक, मोर, हॉर्स, घोड़ा, आउल, उल्लू, काउ, गाय, स्क्वायरल, गिलहरी, कैमल, ऊंट, बफेलो, भैंस, ऑक्स, बैल, ये सब दिखाई देते हैं। लियोपार्डो, कंगारू, बियर, फॉक्स मुझे नहीं दिखाई दिया अभी तक, तो मैंने इनको सराउंडिंग मैं नहीं गिना है और गोला भी नहीं किया है। ठीक है, ये सब वाइल्ड एनिमल्स हैं जो कि आपको जंगल में ही मिलेंगे। एक्सरसाइज टू में है, आइडेंटिफाई मी, रीड द गिवन लाइन्स एंड आइडेंटिफाई एनिमल और बर्ड। टीचर कैन रीड दिस आउट टू द चिल्ड्रन विद एक्शन। जैसे आई एम अ बिग एंड फैट एनिमल, मैं बहुत ही मोटा और बड़ा एनिमल हूँ, जानवर हूँ। आई ईट ग्रास, मैं घास खाता हूँ। आई एम मोस्टली ब्लैक इन कलर, मैं ज़्यादातर काले कलर में पाया जाता हूँ। पीपल यूज़ माई मिल्क टू ड्रिंक एंड मेक टी, मेरा जो पीपल है वो मेरा दूध पीते हैं और उससे चाय भी बनाते हैं। तो रेस्पॉन्स आ जाएगा यहाँ पर बफेलो, ठीक है, भैंस। आई एम ए बिग बर्ड, मैं एक बड़ा पक्षी हूँ। आई हैव अ लॉन्ग फेदर, मेरे लंबे पंख हैं। दे आर कलरफुल, वो रंग बिरंगे। आई लव टू डांस इन द रेन, मुझे बरसात में डांस करना पसंद है। आई एम ऑल्सो आर नेशनल बर्ड, मैं राष्ट्रीय पक्षी हूँ। रेस्पॉन्स हो जाएगा यहाँ पर पिकॉक, मोर। आई एम ए बर्ड, मैं पक्षी हूँ। आई लिव इन फॉरेस्ट टू और फार्म फार फ्रॉम ह्यूमन पॉपुलेशन। आई कैन सी इन द डार्क, मैं अंधेरे में देख सकता हूँ। मैं दूर रहता हूँ जहाँ पर मनुष्य रहते हैं उनसे। आई हैव अ डिफरेंट फेस देन मेजोरिटी ऑफ बर्ड्स, मेरी डिफरेंट फेस है मेजोरिटी ऑफ बर्ड्स की। तो यहाँ पर रेस्पॉन्स हो जाएगा आउल, उल्लू। आई एम ए स्मॉल एनिमल, मैं छोटा एनिमल हूँ, जानवर हूँ। आई लिव इन नियर ह्यूमन पॉपुलेशन, मैं ह्यूमन पॉपुलेशन के पास में ही रहता हूँ। आई लाइक टू ईट रेट एंड ड्रिंक मिल्क, मुझे चूहा पसंद है खाना और मिल्क पीना, दूध पीना पसंद है। पीपल ऑल्सो पैट मी, मुझे पालते भी हैं। आंसर हो जाएगा कैट। ठीक है, तो ये डन होता है वर्कशीट 94। अब देखेंगे वर्कशीट 95। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस विद योर टीचर एंड मैच द फॉलोइंग एनिमल विद व्हाट दे डू। लॉइन को रॉड से मैच कर देंगे, काऊ को मुंह से। देखिए इनकी आवाज़ जैसे निकलती है ना, उसे मैच करना है। देखिए लाउन की आवाज़ कैसी होती है, रॉड, धाड़ता है ना वो, तो इसका हो जाएगा रॉड। काऊ कैसे करती है, मुंह ऐसे बोलती है ना, तो यहाँ पर मुंह से कर देंगे। डॉग बात करता है, भौंकता है। हॉर्स नी 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 घी नी 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 ऐसे बोलता है ना वो, तो यहाँ पर नी से कनेक्ट कर देंगे उसे। और स्नेक को कैसी आवाज़ आती है स्नेक की, तो यहाँ पर हिस्से से कनेक्ट कर देंगे। एक्सटेंड द राइम इंक्लूडिंग मोर एनिमल विद द हेल्प ऑफ टीचर एंड ड्रॉ द एनिमल इन द बॉक्स गिवन बिलो। तो आपको एनिमल को पहचानना है और ड्रॉ कर देना है। जैसे वॉकिंग इन द जंगल, व्हाट डू यू सी, आई सी अ काउ मूइंग एट मी, जो मुझ पर मूइंग कर रही थी। तो यहाँ पर काउ का आपको फिगर बना देना है। ठीक है, वॉकिंग टू द जंगल, वॉट डू सी, आई सी अ लॉइन रॉरिंग एट मी, जो मुझ पर दहाड़ रहा था। वॉकिंग टू द जंगल, वॉट डू सी, आई सी अ मंकी चेसिंग एट मी, जो मेरा पीछा कर रहा था। तो ये डन होता है वर्कशीट 95। अब देखेंगे वर्कशीट 96। लुक एट द पिक्चर, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आंसर। पिक्चर को देखिए और ब्लैंक्स को पूरा करिए। पुष्पा इज वेयरिंग अ रेड शर्ट, पुष्पा ने रेड शर्ट पहनी है, पहन रही है। शी इज़ द गर्ल, वो लड़की है। हर मदर इज़ वेयरिंग अ ग्रीन साड़ी, उन्होंने ग्रीन साड़ी पहनी है। शी हैज़ अ रेड बिंदी ऑन हर फोरहेड, उनकी फोरहेड पर एक रेड बिंदी है, लाल बिंदी है। पुष्पास फादर इज़ वेयरिंग अ शर्ट, उन्होंने शर्ट पहनी है। ही इज़ ऑल्सो वेयरिंग स्पेक्टिकल्स, उन्होंने चश्मा पहना है।
स्पेक्टिकल्स आर ब्लैक इन कलर, वो काले कलर के हैं. पुष्पा ऑल्सो हैज अ ब्रदर, उसका एक भाई है, हिज नेम इज सचिन, सचिन नाम है उसका. दे ऑल लिव इन अ हाउस इन कजूरी विलेज, वो कहाँ पर रहते हैं, कजूरी विलेज के छोटे से गांव में अपने घर पर रहते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु इज वेयरिंग अ शर्ट, पुष्पाज फादर वेयरिंग अ शर्ट. वेयर डज पुष्पा लिव, पुष्पा लिव इन कजूरी विलेज. पुष हु इज पुष्पाज ब्रदर, सचिन इज अ पुष्पा ब्रदर. ठीक है, तो यहाँ पर सचिन इज हो जाएगा. ओके, तो ये डन होता है बख्शी 96. अब देखेंगे बख्शी 97, जिसमें आपको एक फ्लैग के साथ में बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो कि मार्च पास करते दिखाई दे रहे हैं. एक ड्रम बजा रहा है और एक मार्च पास कर रही है फ्लैग को लेकर के. ड्रॉ पिक्चर टू यू ऑफ यू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे एट स्कूल विद योर फ्रेंड्स टीचर. ऑल्सो राइट 5 लाइन अबाउट इट. हु कैन यूज लाइन, यू कैन यूज लाइन फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो. आप इन वर्ड्स को यूज़ करके इन लाइन्स को लिख सकते हैं. आपको इंडिपेंडेंट डे का जो सेलिब्रेट करने का चित्र है वो बनाना है. तो देखिए मैंने यहाँ पर फ्लैग के साथ में फूल बरसते दिखाई दिए हैं. ठीक है, तो ये बना देना है आपको सुंदर सा, कलरफुल कर देना है इसे. अब सेंटेंस लिखेंगे, एवरी ईयर वे सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त, 15 अगस्त को हम मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस. द चीफ गेस्ट होस्ट द नेशनल फ्लैग, वो जो चीफ गेस्ट होते हैं हमारे अतिथि होते हैं वो नेशनल फ्लैग को होस्ट करते हैं. चिल्ड्रन कम टू स्कूल विद फ्लैग इन देयर हैंड, वो अपने हाथ में झंडा लिए आते हैं बच्चे जो होते हैं. वी सिंग अ नेशनल एंथम, हम गाते हैं हमारा राष्ट्रीय गान. सम स्टूडेंट डांस एंड सिंग अ सॉन्ग, कुछ स्टूडेंट जो है वो डांस करते हैं, गाना गाते हैं. देन डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स टू ऑल चिल्ड्रन, और फिर स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सभी चिल्ड्रनों में. ठीक है, तो ये डन होता है बख्शी 97. तो यहाँ हमने देखा बख्शी 97, 96, 95, 94, 93, 92 के सॉल्यूशन. आगे के सॉल्यूशन भी हम जल्द ही देखने वाले हैं, तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ. वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद.